धार नगरी की ऐतिहासिक भोरशाला के सर्वेक्षण के बाद एएसआई ने जारी की सर्वे रिपोर्ट, हाईकोर्ट में किया पेश। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान मिली 94 मूर्तियां, खिड़कियों, खंभों पर भी देवताओं के चित्र। सर्वे रिपोर्ट में लिखा गया कई स्थानों पर आकृतियों को विकृत करने की गई कोशिश। पश्चिमी स्तंभ पर मिले 2 शिलालेख, राजा भोज द्वारा स्थापित शिक्षा केंद्र की तरफ संकेत। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की, हाईकोर्ट में 22 जुलाई को सुनवाई की तारीख। केपी शर्मा ओली चौथी बार बने नेपाल के प्रधानमंत्री, कैबिनेट में 22 मंत्रियों को दी जगह। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर मची खलबली, शरद पवार से मिलने घर पहुंचे छगन भुजबल, अजित पवार से हाथ मिलाने के बाद पहली मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक 1.5 घंटे तक पवार ने कराया इंतजार, बाहर निकलकर भुजबल बोले ओबीसी आरक्षण पर हुई बात। संविधान के 75 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम करेगी मोदी सरकार, सूत्रों के मुताबिक यह कार्यक्रम 15 अगस्त से शुरू होकर अगले साल 26 जनवरी तक चलाए जा सकते हैं। देहरादून में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक, बद्रीनाथ और मैंगलोर उपचुनाव में हार पर समीक्षा, निकाय और पंचायत चुनाव पर बना रहे रणनीति। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा अति आत्मविश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ा। दोबारा सीएम बनने के बाद पीएम मोदी से मिले हेमंत सोरेन, लगभग 3 साल बाद हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। दिल्ली में बिजली के बिल पर सियासत तेज, बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली शराब घोटाला केस में सिसोदिया को कोर्ट से झटका, सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ाई गई। केजरीवाल के वजन को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन का दावा, रिपोर्ट में कहा जानबूझकर वजन कम कर रहे केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का बयान, जेल ने माना कई बार कम हुआ सीएम का शुगर लेवल। पुरी में बावड़ा यात्रा की धूम, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा गुंडीचा मंदिर में अपने अपने रथों में हुए सवार। बावड़ा रथ यात्रा से पहले शुरू हुए अनुष्ठान, बड़ी संख्या में जुटे महाप्रभु जगन्नाथ के भक्त। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने पुरी में भगवान जगन्नाथ को किया प्रणाम, पवित्र बावड़ा रथ यात्रा में हुए शामिल। जगन्नाथपुरी में गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने रथ यात्रा अनुष्ठान से पहले की रथों की सफाई, परंपरा का है हिस्सा। दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण पर विवाद, केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष का आया बयान, कहा इसमें उत्तराखंड सरकार का नहीं है कोई रोल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 34 साल बाद फिर खुला मां भगवती मंदिर, कश्मीरी पंडितों ने की पूजा अर्चना। मथुरा में मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने कसी कमर, एडीजी और एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। नूह में प्रस्तावित जलाभिषेक यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले पर केस दर्ज। मुहर्रम को लेकर कोडरमा में हुई शांति समिति की बैठक, जुलूस के दौरान नहीं खेले जाएंगे खतरनाक खेल, डीजे बजाने पर भी पाबंदी। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी धाम में लग रहा श्रद्धालुओं का तांता, सर्पदंश से पीड़ित युवक ने भी मांगी मन्नत। हरदोई पुलिस लाइन में बाल मित्र केंद्र का हुआ उद्घाटन, बच्चों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों की रोकथाम का काम करेगा केंद्र। मंडी में टमाटर का हुआ बंपर कारोबार, किसानों ने बेचे 10 करोड़ से ज्यादा के टमाटर। कुल्लू से 1500 यात्री श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए हुए रवाना, भक्तों में दिखा गजब का उत्साह, भक्तों ने लगाए जयकारे। मुंबई में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज, उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हुए स्पॉट। भारत के पूर्व राजदूत और बीजेपी नेता तरनजीत सिंह संधू ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, स्वर्ण मंदिर में लोगों से बातचीत भी की। चेन्नई में एआईएडीएमके के सचिव डी जयकुमार ने राज्य के पूर्व सीएम कामराज को दी श्रद्धांजलि, फोटो पर अर्पित किया श्रद्धा सुमन। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने स्कूली छात्रों के लिए मॉर्निंग टिफिन स्कीम को बढ़ाया आगे, सीएम ने बच्चों के साथ किया भोजन। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिले की मेन रोड पर चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, कई दुकानों के सामने चला बुलडोजर। अयोध्या में एक्टर सुमन तलवार ने किए रामलला के दर्शन, लोगों के साथ खिंचवाई फोटो। गुवाहाटी से रोजगार के मुद्दे पर आई गुड न्यूज, सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने शिक्षा विभाग में नियुक्त हुए युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र।
तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी भरण पोषण देने के फैसले का देवबंद की मुस्लिम महिलाओं ने किया समर्थन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम होगा अनिवार्य, विभाग ने स्कूल प्रबंधन को जारी किए निर्देश। बेंगलुरु के दौरे पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, BEML बेंगलुरु संयंत्र का किया निरीक्षण। कल मुठभेड़ के दौरान कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सेना ने मार गिराए 3 आतंकी, 3 राइफल, मैगजीन, पिस्तौल, बारूद और ग्रेनेड बरामद। यूपी के पीलीभीत में शारदा नदी में आई बाढ़, कई गांवों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए प्रशासन ने नाव और ट्रॉली का लिया सहारा। दिल्ली के पूसा रोड पर जलभराव, लोगों को हो रही परेशानी। अगले 2 दिनों तक दिल्ली में जारी रहेगी बारिश, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में भी अगले 2 दिन तक बारिश का अनुमान। नोएडा के कुछ हिस्सों में सुबह हुई झमाझम बारिश, सेक्टर 25 में सड़कें तरबतर। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश, नदी नाले उफान पर। सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर, गोंडा में बने बाढ़ जैसे हालात, टूट गई सड़कें। मुजफ्फरपुर में बागमती और गंडक नदी के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत, कटरा के बकुची में बंद पीपा पुल पर आवागमन शुरू। बेंगलुरु के कई इलाकों में बारिश, पारा गिरने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। करौली में हुई जोरदार बारिश बनी मुसीबत का सबब, खेतों में भरा पानी, बरसात से हाईवे पर भरा बारिश का पानी। उन्नाव में आई बाढ़ से लोग बेहाल, घरों में घुसा बारिश का पानी। उन्नाव में गंगा नदी का भी बढ़ा जलस्तर, बाढ़ की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर। नासिक अंजनेरी किले में फंसे 10 पर्यटक, 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। भारी बारिश के कारण अंजनेरी किले की सीढ़ियों से तेजी से पानी बहने लगा, जिसके बाद पर्यटकों में जान बचाने की लेकर अफरा तफरी मच गई। वन विभाग के कर्मचारियों ने बारिश कम होने के बाद किले में फंसे हुए पर्यटकों को नीचे लेकर आए। कुछ दिन पहले भी बाढ़ बारिश के कारण कुएं में बह गए थे 5 लोग। ये पर्यटक रविवार को छुट्टी पर आए थे अंजनेरी किले, लेकिन दोपहर में बारिश तेज होने से फंस गए सभी पर्यटक। हुगली में भी बारिश से बदला शहर का नजारा, तापमान में आई भारी गिरावट। दिल्ली में जोरदार बारिश से मौसम हुआ सुहावना, पानी से सराबोर हुई सड़कें। दिल्ली के जनपद इलाके में भी हुई बारिश, मौसम हुआ ठंडा। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में बारिश से हुआ जलभराव, सड़क पर गाड़ियों को आवागमन में हुई समस्या। हैदराबाद में जोरदार बारिश से सड़कों पर भरा घुटने तक पानी, पानी में डूबी कार को धक्का मारते दिखे लोग। बलिया में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से जीवन हुआ अस्त व्यस्त, पानी में समा गए खेत। कर्नाटक और केरल के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, भारी बारिश का जताया अनुमान। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान, प्रशासन ने की लोगों सावधान रहने की अपील। राजस्थान के उदयपुर में हुई भारी बारिश, वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। हरियाणा के करनाल में हुई भारी बारिश, सड़कों पर जलभराव। कर्नाटक के हुबली में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हरदोई में लगातार बढ़ रहा गर्रा नदी का जलस्तर, बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की चिंता। हरदोई में बाढ़ से 100 से ज्यादा गांव प्रभावित, प्रशासन लोगों को की कर रहा मदद। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी आई बाढ़, सड़क पर जिंदगी गुजारने को मजबूर हुए लोग। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का बढ़ा जलस्तर, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, प्रशासन लोगों को बचाने में जुटा। मोतिहारी में भी नदियों का बढ़ रहा जलस्तर, लोगों की बढ़ रही परेशानी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ली असम में बाढ़ की स्थिति की ताजा जानकारी, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर की बात। शाह ने गुजरात और यूपी में बाढ़ के हालातों की ली जानकारी, तीनों राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। गोरखपुर में बाढ़ के पानी में डूबे करीब 50 गांव, ट्यूब की मदद से लोग रास्ता पार करने को मजबूर। 13 घंटे बाद भी कोंकण रेलवे बंद, कोंकण रेलवे की 7 ट्रेनें रद्द कर दी गई, जबकि 5 ट्रेनों का बदला गया रूट।
ट्रैक से गंदगी और कीचड़ हटाने में बारिश बनी बाधा, ट्रैक साफ करने का कार्य तेज। फिल्म कल्कि ने की शानदार कमाई, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने की 1000 करोड़ रुपए की दमदार कमाई। सूर्यपुत्र वैकर्तना करना। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर छाया फिल्म महाराजा, नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही महाराजा। जल्द ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी फिल्म मुंजिया, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर की शानदार कमाई। लंदन में कृष्णदास के कीर्तन नजर आए विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, वायरल हो रहा वीडियो। शादी के बंधन में बंधी भोजपुरी एक्ट्रेस रितु सिंह, एक्टर गौरव झा से रचाई शादी, रितु सिंह और गौरव झा काफी समय से रिलेशनशिप में थे। इस बार के बजट में रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार रख सकती है फोकस, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का रोडमैप किया जा सकता है पेश। भारत में बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के पूरा होने का समय पांच साल से 20% हुआ कम, छोटे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन समय भी करीब 18% तक कम। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पैट्रन 2031 तक भारत के दूसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का किया दावा, ओईसीडी का हवाला देकर कहा पीपीपी में भारत 2048 तक अमेरिका से आगे निकलेगा। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद पहली तिमाही में निर्यात में इजाफा, अप्रैल मई के दौरान गुड्स एक्सपोर्ट में 5.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। एसबीआई ने 1 महीने से 3 साल की अवधि के लिए कर्ज के लिए एमसीएलआर में 5 से 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की, अब भारत के सबसे बड़े बैंक से 8.35% से लेकर 9% तक इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा ऋण। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो स्विगी ने 3 महीने में दूसरी बार प्लेटफॉर्म फीस में इजाफा किया, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे मार्केट्स के लिए प्लेटफॉर्म फीस 20% तक बढ़ाई गई। बीएसएनएल ने 2399 में 395 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान लॉन्च किया, इस 4G प्लान में यूजर्स को रोजाना 2GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉल्स की सुविधा भी मिलेगी। ई कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल से पहले भारत में 100 डार्क स्टोर्स खोलेगी, क्विक कॉमर्स सेगमेंट में जैप्टो, ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट के मुकाबले की तैयारी। पीएम मोदी एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स के साथ सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बने, इंस्टाग्राम पर भी प्रधानमंत्री के 91.2 मिलियन फॉलोअर्स। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म के लिए थोक पैकिंग वाले सामानों पर अनिवार्य लेबलिंग का प्रस्ताव, सरकार ने 29 जुलाई तक मांगे सुझाव और आपत्ति। यूरोप कप खिताब जीतने पर पूरे स्पेन में जश्न, राजधानी मैड्रिड के सिलेबस फाउंटेन पर जुटे 50,000 से ज्यादा फुटबॉल फैंस, नाचते गाते और जश्न मनाते आए नजर। पैम्पलोना और ग्रैंड कैनरिया में प्रशंसकों ने स्पेन की यूरो 2024 जीत का मनाया जश्न, लाखों लोग एक साथ झूमते आए नजर। स्पेन की 12 साल बाद जीत को लेकर छलक उठे फैंस के आंसू, तस्वीरों में दिखा जोश और जज्बात का अद्भुत नजारा। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एफिल टावर पर की गई भव्य आतिशबाजी, जगमगा उठा पेरिस का आकाश, दुनिया भर से पर्यटक आतिशबाजी देखने के लिए आते हैं रोशनी के शहर की ओर। पेरिस में वेस्टिल दिवस समारोह के चलते की जाती है एफिल टावर के चारों तरफ शानदार आतिशबाजी, रोशनी के रंगों से भरा पूरा आसमान। इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने नेवातिम एयरबेस का किया दौरा, यहीं से ही गाजा पर बरसाए जा रहे बम, कहा हमास का पीछा सालों तक जारी रह सकता है, उसको खत्म करके ही लेंगे दम। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश की सुरक्षा हालात पर व्हाइट हाउस में की बैठक, पेंसिल्वेनिया के बटलर में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले में सुरक्षा चूक पर हुई चर्चा। ट्रंप पर हमले के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्र को किया संबोधित, कहा अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, हम हिंसा को सामान्य नहीं होने दे सकते, पूर्व राष्ट्रपति पर हमला हैरान कर देने वाला। ओवल ऑफिस से दिए गए अपने 10 मिनट के कम समय के भाषण में राष्ट्रपति बाइडेन ने राष्ट्रीय एकता पर दिया जोर, कहा अमेरिका में गर्म राजनीतिक बयानबाजियों के इस दौर में शांत रहने की आवश्यकता। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मुख्य जांच एजेंसी ओवरसाइट कमेटी ने सीक्रेट सर्विस की निदेशक किम्बरली च्यूटल को किया समन, 22 जुलाई को पेश होकर ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले पर जवाब देने को कहा।